उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। अब्बा जान और चचा जान के बाद अब एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी ने इस बार इशारों इशारों में अखिलेश यादव को अकल से पैदल कहा है। दरअसल मंगलवार 23 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लेने ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एयरपोर्ट से होने वाले फायदे के बारे में बताया, तो वहीं अखिलेश यादव को अकल से पैदल कहकर उन पर निशाना भी साधा। पहले जहां एयर कनेक्टिविटी के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे, ये पिछले 4-5 वर्षों के अंदर ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ, एक ईमानदार सोच के साथ जब सरकार कार्य करती है तो दमदार परिणाम इसी प्रकार से आते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस एयरपोर्ट के शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम की याद आप सबको रहे, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी और कार्य के प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कब सरकार ने इसे पूरा किया है। इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये भी चीजें हम आप सबको सामने मुझे रखना था। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शिलान्यास को लेकर काफी हंगामा हुआ था, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि इस एक्सप्रेसवे का पूरा नाम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, जिसका नाम बदलने का आरोप भी अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर लगाया है। बहरहाल 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस एयरपोर्ट में पहले चरण में करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश यहां पर आ सकता है और जेवर एयरपोर्ट के बनने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे जिले में करीब 34,000 से 35,000 करोड़ रुपए तक का निवेश आएगा, जिससे 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि 2024 तक जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।